हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये मेरा व्लॉग जो है वो संडे का व्लॉग है और मैं आप लोग के साथ मंडे को शेयर कर रही हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, संडे को मॉर्निंग थोड़ी लेट हो जाती है, उठने का वही रहता है लेकिन थोड़ा धीरे धीरे होता है उठने को। तो मैं 5:30 पे उठी थी, लेकिन मैंने जैसे कि आप लोग के साथ शेयर किया है कि मैं योगा करती हूँ, तो नॉर्मली मैं 5 AM उठती हूँ और वैसे मैं 5:30 पे उठी थी। और होता है ना थोड़ा लेज़ी टाइप की, चलो लेट नहीं हो रहा है तो बस धीरे धीरे अपना योगा या फिर जो भी है मॉर्निंग का टाइम ऐसे ही कर रही थी। तो जिससे कि मुझे पूजा करने में 6:30 बज गया था और सूर्यदेव की बराबर से दर्शन हो रहे हैं। एकदम सुबह सुबह नहीं होते हैं, अंधेरा जब रहता है तो भी, लेकिन अब बहुत अच्छा लगता है, एकदम रेड रेड रहते हैं तब, तो उस टाइम भी बहुत अच्छा लगता है। और इस टाइम जो है 6:30 और 7 तक तो एकदम बराबर दर्शन दे देते हैं सूर्यदेव। अब मैं जा रही हूँ मंदिर और ये मैं मंदिर पहुँच गई हूँ और यहाँ पे सब भक्तगण आए हुए हैं। काफ़ी लोग आते हैं मंदिर पे, मायके में जो मंदिर था वहाँ तो ज़्यादा ही लोग आते थे, यहाँ फिर भी मुझे कम नज़र आते हैं वहाँ की अपेक्षा। मैं घर आ चुकी हूँ, घर पे मेरी पूजा पाठ हो चुकी है और ये मैं मंदिर से स्टील का लोटा आपको दिख रहा है तो भोले बाबा का जो पानी चढ़ता है वो पानी लेके आती हूँ और बेलपत्र का चढ़ावा लाती हूँ, प्रसाद ग्रहण करती हूँ मैं और सबको देती हूँ। और यहाँ जो घर पे भोले बाबा थे मैं उनको दिखा रही थी और यहाँ पे मैं आप लोग का वेलकम भी कर रही हूँ। ये बेलपत्र पानी में दिखा रही जो मैं खाती हूँ पीती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ अपनी सासू माँ को देने प्रसाद, तो अब मैं उनको भी दे देती हूँ। धीरे धीरे मैं सबको दे देती हूँ, बच्चों को भी देती हूँ, हस्बैंड को भी देती हूँ। देवर जी को नहीं दे पाती हूँ क्योंकि वो सुबह सुबह जल्दबाजी में निकल जाते हैं और पापा जी को भी, पापा जी के पास तो जाती ही नहीं हूँ तो उनको भी नहीं दे पाती हूँ। तो मम्मी को और हस्बैंड को और दोनों बच्चों को देती हूँ। ये रात का बर्तन रखा हुआ है क्योंकि सबको लेट हो जाता है, जो भी जिसमें बना रहता है वो जिसमें खाते हैं वो रह जाता है, वो सुबह वॉश करती है। सब्जी मेरी ससुर जी की सब्जी है, कम ऑयल में, ऑलिव ऑयल में और बिना मसाले का, ये ऐसे ही बनेगा तो ये मैं बनाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखिए मैंने सब्जी डाल दी है, एकदम प्लेन सब्जी है। यहाँ पे मैंने सब्जी डाल दी है, ये एकदम प्लेन सब्जी है। इसमें खाली हल्दी है, नमक है, टमाटर है बस, और हल्का सा पानी डालूंगी गलने के लिए क्योंकि ऑयल एकदम नाम के लिए है ही नहीं। और यहाँ पे मेरा धनिया और पानी बॉईल हो रहा है अच्छे से, रात भर भिगो के रखती हूँ और सुबह बॉईल करके पीते हूँ क्योंकि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है तो ये धनिया पानी बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, तो इसलिए मैं पीती हूँ। और अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, यहाँ पर सलाद भी रख लूँगी। अभी बच्चे सो रहे हैं, सोते थे मेरे कैमरे सामने को जाता नहीं है, आ जाया करो। देवरानी भी देख लेंगे, हम इसे कह रहे कैमरे में आकर देवरानी भी देख लेंगी यूट्यूब पे ही मुलाकात हो जाएगी। चलिए फिर मैं कुछ देर के बाद मिलती हूँ आपसे।
और यहाँ पे पूरी फैमिली साथ में बैठ के चाय पानी कर रहे हैं। ये मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, उनके साइड में देवर जी बैठे हैं, उनके साइड में सासू माँ बैठी हुई हैं, वहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ और बाहर ससुर जी बैठे हुए थे। अब मैं आ गई हूँ किचन का काम करने। आटा मैंने ऐसे ही वो करके रख दिया था, अब मैं उसको बराबर से सेट कर रही हूँ और बस अब इसके बाद रोटी बनाऊँगी। सब्जी मैंने चढ़ा दिया है, बस यही सब हो रहा है, डेली रूटीन डेली का काम। चेहरा उतर जाता है यार खाना बनाते वक्त, देखो जरा बहुत सही में बहुत ज़्यादा मॉर्निंग में इतना ज़्यादा तम स्पीड में काम करना पड़ता है, क्योंकि अभी तो चलो आज कल संडे था, आज मंडे है, तो इतना ज़्यादा मंडे टू सैटरडे 9 बजे तक मुझे कितना कुछ बनाना होता है। दाल चावल रोटी दो टाइप का चावल, एक दलिया वाला खाते हैं ससुर जी और चावल का खाते हैं बाकी सब, तो दाल चावल रोटी दो टाइप की सब्जी 5 हो गया और चाय 6, कुंज उंज का मतलब जो खा के जाते हैं 7, एप्पल प्यूरी 8 और क्या टिफिन जो लेके जाते हैं वो 9, मतलब 8।